यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। राजधर्म क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। किसी भी राज्य के लिए राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है, प्रजा के हित के लिए कार्य करना पड़ता है, निस्वार्थ भाव से उस राज्य की जनता के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा कि रामायण में यह दिखलाया गया, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया था कि राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है, वह एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करता है जिसमें पत्नी, भाई और परिवार का उतना महत्व नहीं होता है जितना प्रजा का, और समझाते हुए उन्होंने कहा था कि राजा को एक सेवक की तरह कार्य करना चाहिए जिससे प्रजा का हित हो सके, और श्री राम ने उसी तरह का कार्य किया। आज देखा जा रहा है कि जो राजा होते हैं अपने कर्तव्य से हट जाते हैं, उन्हें राज्य के हित में कार्य करना चाहिए। हालांकि देखा जाता है कि कुछ विशेष कार्यों में उनका दायित्व सही रहता है, लेकिन जितना जरूरी है उतना उस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, परिवार की ओर ज़्यादा ध्यान देना अच्छी बात नहीं है। परिवार तो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक राजा को प्रजा की हित में कार्य करने की आवश्यकता है, और देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस तरह का समाज में कार्य करता है, और जो दंड देने लायक है उसे दंड देने की आवश्यकता है। इस तरह से राजधर्म का एक राज्य के लिए विशेष बात होती है, और जब तक राजा उस दायित्व को नहीं संभालेंगे तब तक उस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। बाधाएं आती है, लेकिन हमें चुनौती स्वीकार कर राज्य के विकास के लिए अग्रसर होना होगा, तभी प्रजा का हित हो सकता है। और हम उस दिशा में कार्य करेंगे जिससे विकास होगा। आज देखा जा रहा है कि प्रजा की अनेक समस्याएं हैं, राजा को उसकी समस्याओं को जानकर उसके विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, तभी किसी राज्य का विकास हो सकता है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे समाज में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचे और समाज का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।